गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है सौरभ। टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम जा रहे हैं इनोवा की फर्स्ट सर्विस करने के लिए। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि कैसा रहेगा एक्सपीरियंस और क्या रहेगा। शोरूम मेरे घर से ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर दूर है और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। अभी देखते एग्जैक्टली कब तक हम पहुंचते हैं और कैसा रहता है एक्सपीरियंस। सो दिस इज़ माय लाइफ टाइम फर्स्ट एक्सपीरियंस विद द टोयोटा सर्विस और मेरे थोड़े बहुत कंसर्न्स हैं जो मुझे उनके सामने रखने हैं, तो उसके बारे में भी हम धीरे धीरे ये वीडियो में बात करेंगे। टोयोटा शोरूम और अभी लॉन्च में बैठे हैं और हमको थोड़ी टाइम में बुलाएंगे उन लोग। सो लेट्स सी हाउ इज द एक्सपीरियंस। दिस इज़ मधुबन टोयोटा। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ कार और अगर आपको सर्विस रिलेटेड भी कुछ भी क्वेरी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू सेल्स ऑफ द कार। और मैं दूसरा नंबर दे दूंगा, वो है सर्विस रिलेटेड। सो आप दोनों देख सकते हैं, अगर आप कुछ भी क्वेरी है तो यू कैन कंसल्ट, तो आपको डेफिनेटली हेल्प आउट कर लेंगे। ये एक्चुअली मैं अशरफ नाम है हमारे सर्विस एग्जीक्यूटिव का, वो थोड़ा चेक कर रहे हैं। सो देखते हैं डीपीएफ यार, मतलब कुछ इंटरवल है डीपीएफ का कि फिर वैसे ही चलता रहता है। डीपीएफ दो चीज का है, एक तो ऑटोमेटिक भी होगा आपका। ओके, ऑटोमेटिक सिस्टम भी है। ओके, कभी-कभी रनिंग आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी आपका कितनी 650 जाने का किलोमीटर, 650 आने का किलोमीटर। ओके, और लाइट कब से आ रहा है? कौन सा लाइट? डीपीएफ का। डीपीएफ का लाइट समझ लो ना, पूरे ट्रिप में मेरे को कम से कम 4th बार ये डीपीएफ हुआ है। ओके, क्योंकि देखो ट्रैफिक में अगर चलेगा ना सर, तो आपका जो एड ब्लू है इसमें एड ब्लू सिस्टम है। हां हां हां, एड ब्लू जो अपना जब ये होता बंद होता है तो इसमें कैटेलिक कन्वर्टर के अंदर फिल्टर है वो डीपीएफ का। ओके ओके, वो तो रहता है। जब वो चोक होने लगेगा तो वो लाइट आता है। ओके, तो इंटरनली ऑटोमेटिकली वो क्लीन भी करता है। हां, वो तो वो भी। और सेकंड थिंग, गाड़ी अगर आपका रनिंग होता है वो 100 स्पीड वीक में 2 से 3 बार तो ऑटोमेटिकली वो एग्जॉस्ट के साथ निकाल लेता है। ओके ओके, ऐसा है। अगर कंटिन्यू लाइट आ रही है आपकी ऑन हो गई है डीपीएफ की, तब का ये दिया हुआ है। हाँ, वो बटन दबा कर सकते हैं ना। मतलब उसमें भी ऐसा है कि आपके पैसेज ओपन होना चाहिए, पीछे फ्लेमेबल 2 से 3 मीटर कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ, यानी घास का एरिया है, कपड़ा कुछ होना नहीं चाहिए, वो चीज़। अगर आपके पास नहीं है आप वर्कशॉप पे विजिट करो। ओके, और फिर हम लोग करेंगे। मगर इधर इंजन लाइट आता है येलो कलर का। ओके, अगर वो लाइट कंटिन्यू ऑन है, वो करने के बाद भी ऑन हो रहा है यानी कुछ हो रहा नहीं है, तो वर्कशॉप भी लाने पड़ेगा, तो हम लोग को फिर मशीन लगा के स्कैन करके फिर वो करना पड़ेगा। ओके, ओबीडी स्कैनर से। हाँ, ओके। व्हील अलाइनमेंट का देख लीजिए, वो लेफ्ट पुलिंग हो रहा है। हाँ, लेफ्ट ऐसे जा रहा है पूरा। वायर टायर पे चेक करता हूँ, बट टायर प्रेशर भी चेक करता हूँ। टायर प्रेशर तो मतलब पहले से ही मॉनिटर, आगे दोनों में 33 रखा है, पीछे दोनों में 36 रखा है। ऐसा मत, चारों 33 है। 33 नहीं, एक्चुअली उसमें लिखा हुआ है 33 36। आप ये देखो, इंडियन नॉट की तरफ तो 33 रहेगी। मतलब अगर एडिशनल वर्जन है कार में तो भी तो 36 कोई बात, मगर नॉर्मल हम लोग रिकमेंडेशन और इस पर ट्विटर भी 33 है। 33 फोर टायर चार टायर। ओके, और कुछ कंप्लेंट? और कुछ डीपीएफ का भी लाइट तो नहीं आ रहा ना? नहीं, अभी नहीं। पर फिर भी आप देखेंगे ना कि जब ये ऐसा डीपीएफ का कुछ होने वाला होता है तो 1000 के ऊपर ही आरपीएम रहेगा, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली इट स्टैंडर्ड। 1000 के ऊपर ही सही जाता है, वो अपने आप रेस होता होगा। अभी भी आपने एक्सीलरेटर नहीं किया फिर भी 1000 के ऊपर अभी अपने आप नीचे ऑटोमेटिकली जाएगा। जब आपका डीपीएफ एक्टिवेट होता है ना तो इंजन आरपीएम फास्ट होगा। ओके ओके, इंजन टेंपरेचर जो कूलेंट का टेंपरेचर जब तक आपका गर्म नहीं होगा तब तक आपका फास्ट होगा। अच्छा, और ये आपका डीपीएफ रहता है तो वो चीज अपने वो होता है। कभी मैं एक बार इसकी कंप्लेंट डाल के चेक कर लेता हूं। ये देख लेते हैं, ये लीजिए ओनर्स प्लेट। अभी इसमें जो है ना अभी 10,000 ही अपना ड्यू है, पहले की इनोवा क्रिस्टा में एवरी 6 मंथ पे था। ओके, अभी सीधा 1 साल का 10,000 पे, उसके बाद आपको 5,000 पे। टोटल कितने? 3 सर्विस है ना? फ्री सर्विस 3 रहती है। फ्री बोले तो मींस जो मेंटेनेंस का इंस्पेक्शन का लेबर होता है 1000, ये टाइप ऑफ सर्विसिंग होती है। आपकी गाड़ी में चली
जब ये गाड़ी लिया था ना सर, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना लाइन है, चढ़ के देख लीजिए आप दोनों साइड, ये देखिए ये और वो साइड, पता नहीं किसका है ये आप वो टाइम पे इन्फॉर्म नहीं किया गया। वो टाइम मैंने देखा ऊपर भाई, मेरा ध्यान ही नहीं गया था, इसलिए फिर मैंने बोला सर्विस के टाइम पे सर, देखो निकल जाए, निकल जाएगा ना, निकाल दोगे, निकाल देंगे ना। अभी हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से टेस्ट राइड के लिए, क्योंकि व्हील अलाइनमेंट देखना है। अरे वाह, चल 1585। ओके, आपका नाम है? राकेश। राकेश, राकेश जो है हमको ट्रायल पे लेके जा रहे हैं, और व्हील अलाइनमेंट हमें बेसिकली चेक करना है। इट इज कंफर्म्ड दैट व्हील अलाइनमेंट करने की जरूरत है। चलो राकेश भाई, मजा आया, थैंक यू। ओके, ट्रायल हमने ले लिया है एंड नाउ दे हैव अश्योर्ड कि 2 आवर्स में कार मिल जाएगी, आई होप मिल जाए जल्दी से। फिलहाल के लिए हमारे पास कुछ काम नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ नियर बाय में कुछ रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर लें, क्योंकि अभी बज रहे 10:30। सो जो भी अपडेट आता है आई विल डेफिनेटली अपडेट, जो भी चीज़ होती है आई विल डेफिनेटली अपडेट इन दिस वीडियो। And stay tuned guys. So that is our car, white वाला, और वो अभी हो रहा है wheel alignment उसका, और फिर मैंने इसके ऊपर sanitization भी करवाया। So this is the service center over here. Exactly पीछे इसके showroom है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके गाइस, सर्विस हो चुकी है एंड अभी कार के अंदर सैनिटाइजेशन चल रहा है, आपको अगला फ्रेम में वो दिखेगा। और अभी बस बिलिंग कर रहे हैं, 1563 इज़ द बिल अमाउंट, और कार मेरी यहाँ पे खड़ी है, दिस इज़ द कार, कार चालू है, वो सब सैनिटाइजेशन चालू है। सो आफ्टर द बिलिंग आई विल सी यू। ओके गाइस, फाइनली सर्विस हो चुकी है एंड जस्ट मैं भी घर पे पहुंचा हूँ। 1563 का बिल आया था, जितने भी मेरे कंसर्न्स थे वो सब उन लोगों ने रिजॉल्व कर दिए थे। आई पर्सनली थैंक द सर्विस टीम, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, अगर आपको कुछ भी टोयोटा सर्विस रिलेटेड क्वेरी है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई वुड बी रियली हेल्पफुल विद दैट। मधुबन टोयोटा से आप सर्विस करा सकते हो, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। एंड थैंक यू मधुबन टोयोटा, अगर आपका कोई देख रहा है तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर सर्विस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल ही मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच गाइज़।